जब इंसान अपने जिस्म और इसकी आप हवास ले रहे हैं, हवास खमसा, हवास खमसा आपके फंक्शन को अगर दीन के तौर पर ट्रेन न किया जाए तो फिर दीन के साथ वाबस्तगी जो है वो ज़्यादा देर पर साबित नहीं होती। हवास खमसा मसलन आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के साथ लौ लगा लिया और आपकी आँख में मंजर गैर अल्लाह का तैर जाए तो फिर वो जो लौ लगाई है उसके अंदर कमी आ जाती है। अच्छा, अल्लाह की ने जो मेहरबानी फरमाई हुई है कि इसी दुनिया में मिला जुला के फेंक दिया खैर और शर को। एक तो खैर के अंदर शर, शर के अंदर खैर, दुनिया के अंदर, क्योंकि जब बात में इसी दुनिया में एक खैर है साथ दूसरा जो अवाल है वो शर है, एक भाई खैर है और एक भाई शर है, ये दो है ना दुनिया के अंदर साथ साथ आस पास मिला जुला ब्लैक एंड वाइट। एक इंसान के अपने अंदर पीरियड्स हैं, खैर का पीरियड, शर का पीरियड और दोनों से बेजारी का पीरियड, अल्लाह की इबादत का पीरियड, अपने आपके दौर आया करते हैं हर आदमी में, अदवार। तो यूँ आप समझ लो कि जिस तरह आप बैठे बैठे एक नींद का आ जाता है दौर, अब नींद आ गई, तो ये क्या आ गई भी तुझे बैठे बैठे कोई चीज़ आ गई, कहते नींद आ गई, अच्छा खासा बातें कर रहा है, अच्छे खासे बातें सुन रहा है, अचानक वो कहता अब नींद आ गई, कोई चीज़ उसके अंदर आ गई जो उसको अब उस पुराने फंक्शन के अंदर वैसे नहीं बैठे देती जैसे पहले बैठा था, अचानक कोई चीज़ आ गई ना। इसी तरह जो है वो बेदारी होगी, इसी तरह जो इंसान है वो इनको आगे बिठाओ, मौलवी साहब को आ जाओ जी, आ जाओ अजय साहब आगे, तभी तो बैठ जाओ साथ ही, आप बैठ जाओ उनको बैठ। इसी तरह इंसान चलते चलते अचानक उसे ख्याल आता है कि मैं अल्लाह को याद करूं, किसी ने बताया नहीं अभी उसको, खुद ब खुद अचानक उस एहसास पैदा हो गया, बुढ़ापा भी नहीं है, मौत भी नहीं है, अचानक उसको ख्याल आ गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इबादत करते करते अचानक ख्याल आ गया कि चलो फिर कर लेंगे कभी बातें भी। इंसान की फितरत में वसी ख्यालात और मुख्तलिफ ख्यालात के साथ वाबस्तगी जो है ये फितरी अमल है। अब आप समझ रहे हैं, एक वक्त आता है कि इंसान, अभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी इसको, अचानक उसे ख्याल आता है कि मैं इस तरह करूं कि चलो पैसा ही जमा कर लिया जाए, पैसा जमा किया, गिनती शुरू कर दी, फिर जमा किया, फिर गिनने लग गया, फिर एक दिन ख्याल आता है कि ये मैं क्या जमा कर रहा हूँ, खर्च ही कर दो इसका, फिर वो खर्च करने लग जाता है। मतलब है कि इंसान के अंदर ये फितरत की तरफ से अजब अजब ख्यालात की कार फरमाई, ये बताते खुद फितरी अमल है। पहले एक बात समझ आ गई थी कि हर इंसान जो है उसमें हर किस्म की कैफियत का पैदा होना एक फितरी बात है, हर किस्म की, यानी कि वो जो नेकी तलाश करने निकला था ना वो बदी भी तलाश कर सकता है, ये इंसान है। इंसान इसलिए कहते हैं कि आखिरी दम तक नेक इंसान को बुरा होने का खदशा रहता है और बुरे इंसान के लिए नेक होने के इम्कान हैं आखिरी दम तक, इसलिए जब तक इंसान मर ना जाए उसे नेकवाद ना कहा करो। यह मुमकिन है कि एक गुनाहगार वलीउल्लाह होके मरे, और यह मुमकिन है कि एक वलीउल्लाह किसी गुनाहगार होके मरे,
इसलिए इसका बिल्कुल फैसला कभी ना करना अच्छाई बुराई का, क्योंकि जब तक एक्शन हो रहा है, गेम ऑफ लाइफ जारी है, जिंदगी खेल चल रहा है, अगर गुनाह जितने बोझ है हमारे ऊपर, वो अचानक एक दिन इतना आ जाती है चिट्ठी माफ किया, अगर गुनाह माफ हो जाए तो फिर गुनाह की वजह से जो हमने उसको बुरा कहा वो हमारी गलती हो जाएगी, क्योंकि हम हाल और माजी के मुतलक जानते हैं किसी इंसान को नहीं, बात समझा रही, हम किसी इंसान के हाल और माजी के मुतलक जानते हैं और इंसान का फैसला भी मुस्तकबिल में होना है, आप बात समझ रहे ना, इसलिए जब तक ये ना पता हो कि इसका मुस्तकबिल क्या है तो उस वक्त तक फैसला नहीं करना चाहिए। कुछ शख्सियत के ट्रेड्स और पहलू ऐसे हैं कि जिसमें हम कह सकते हैं गालिबन इम्कान ये है कि इसका आगे जाके कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, कि बहुत बुराई कर रहा है आदमी, ये गालिबन की बात है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसको जुल्मात से निकाल के नूर में दाखिल कर दिया जाए, ये भी मुमकिन है कि उसके गुनाह माफ कर दिए जाए, ये भी मुमकिन है कि उसको कोई नेक साथी मिल जाए और अचानक नेकी गालिब आ जाए, मुमकिन है ना, इसलिए ये बड़े इम्कान है जिंदगी में, क्योंकि बिखरे हुए इम्कान हैं, खैर के भी इम्कान हैं, शर के भी इम्कान हैं, और जिंदगी के अंदर सेहत के भी इम्कान आते हैं, बीमार होने के भी इम्कान आते हैं, इसलिए अभी फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि किसी इंसान के साथ कल को क्या होगा, अब आ समय यह मुमकिन है कि सेहतमंद बीमार हो जाए और बीमार सेहतमंद हो जाए, अमीर जो है वो गरीब हो जाए और गरीब अमीर हो जाए, वो लड़का कि मैं रात से दिन और दिन से रात, ये बड़ा मिसाल है, रात से दिन और दिन से रात, वो पहले फरमाया कि मैं मुल्क देता हूँ मुल्क ले लेता हूँ, हुकूमत अता फरमाता हूँ हुकूमत छीन लेता हूँ, हुकूमत के बाद हुकूमत से मारूमी एक अजब राज है, इसे अभी समझो कि अजब राज है, हुक्मरान के लिए न हुक्मरान रहना एक अजीब कैफियत है, रोबदार बाप के लिए बेरोब एक गैर जरूरी असासा बन के घर में रहना अजब बात है, इतना रोब इतना जलालई आदमी था कि घर में आता तो सहम जाते हालात दर दीवार के, और वो आदमी जो है एक गैर जरूरी कोने में पड़ा हुआ है एज इफ के वो हैपन ही नहीं हो रहा, ऐसा वही आदमी सेम ओल्ड मैन, अब वो गैर जरूरी हो, कहने की अल्लाह ताला ने एक अजब राज रखा हुआ है कि तू जिनके लिए इतने गुनाह किए और जिन बच्चों के लिए इतना बड़ा तरदर किया और जिन बच्चों के लिए तूने मुझे छोड़ा, अब उन बच्चों ने तुझे छोड़ दिया, और जिन दोस्तों के लिए तूने मुझे छोड़ा आज वो दोस्त तेरे पास से अजनबी होकर गुजर रहे हैं जिनकी खातिर तूने हमें छोड़ा, तुझे वाकयात फितरत से खाती रहती है कि उतार चढ़ाव बादशाहत गरीबी परदेश देश ये सारे वाकयात चलते रहते, इसमें खास शामिल नहीं है, बस ये खुद ब खुद ही हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जिंदगी के अंदर हर इंसान पर उतार चढ़ाव के हालात आते रहते, ट्रेनिंग ना हो तो फिर इंसान वो अचानक चल पड़ता है बगैर सोचे समझे कि यही जी में आई कि चलो निकल चलो, फिर ख्याल आया कि कहाँ जाना चलो वापस ही आ जाओ, तो ये इंसान फिर करता रहता है जब तक उसे कोई हुक्म देने वाला ना हो, फिर वो नफ्स के हुक्म पर चलता है, क्योंकि नफ्स का ना आप ये इरादा ले लो ख्वाहिश ले लो कि चलो आज मिठाई खा लो, और मिठाई से नुकसान होता है नमकीन ही खा लो, मकसद ये है कि ये इंसान करता रहता है। और इस दुनिया के सारी जिंदगी के साथ तमाम नज़ारों के साथ और दुनिया की तमाम कैफियात के साथ इंसान की वाबस्तगी है, आपके जिम्मे बुरुगी साहब आपके जिम्मे सिर्फ एक चीज़ है कि आप इस अपने वजूद को किसी खैर के रास्ते पर गामजन करो, रूह के गुनाह को नहीं है, रूह खैर है बख्शा भी चाहिए तो बख्शी बख्शाई चीज हुई है, रूह को सजा भी नहीं है, मतलब ये बदन और रूह के रिश्ते की बात हो रही है, आगे क्या होगा उसकी बात भी नहीं हो रही है, आपके जिम्मे एक काम है कि जब तक आपकी रूह और बदन का रिश्ता कायम है इसको कामयाब रास्तों पर चलाना, आप हर आदमी कामयाब होना चाहता है और हर आदमी आप देख रहे हो नाकाम है, चोर भी अपने आप को कामयाब और चोर बनाना चाहता है लेकिन ये नहीं पता कि ये फंक्शन बुलाते खुद ही बुरा है, इसलिए कोई आदमी अपनी जात के साथ बुराई नहीं करता और अक्सर आप देखते हो कि बुराई कर दी, सेहत खराब हुई तो वो डॉक्टर कहते हैं देखो तुमने अपनी जान पर जुल्म किया, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि तुमने अपनी जान पर जुल्म किया, तुमने अपनी सेहत खराब कर दिया, तुमने अपनी जान को हलाकत में डाला, तूने क्या बुराई फील कर दी,
तो गया कि वो जो हलाकत में डालने वाला है वो नहीं जानता कि मैं हलाकत में डाल रहा हूं, वो अपनी तरफ से अपने लिए बेहतरी कर रहा है। इस तरह जागना शुरू कर दे लगातार, चेता आगे पीछे हो जाए, ओहो तुमने क्या किया, कहता मैंने तो अच्छा ही सोच के किया था। इसलिए इंसान अच्छा सोचने के बावजूद, अच्छा करने के बावजूद अपने अंदाज में, जरूरी नहीं कि वो अच्छी सोचो और अच्छा अमल हो, आप बात समझ रहे हैं। अब मैंने जब ये कहा कि हर इंसान का इस दुनिया के खैर शर के साथ, अहवाल के साथ दो किस्म के रिश्ते हैं, आप समझ रहे बात मेरी, दो तरह के रिश्ते हैं। एक तो ये है कि उस खैर और शर की कैफियात के साथ रिश्ता है, तारीर में आए, खाली ख्याल आ जाए, अचानक जो है दिल में वारदात पैदा हो जाए, ये ख्याल है। बाज़ औक़ात किसी इंसान से रिश्ता होता है और वो इंसान खैर और शर जो है हमारे अंदर फिल्टर करता रहता है, इन्फ्यूज करता रहता है, हमें पता नहीं चलता। हम उसे कहते हैं कि ये चीज़ देखो दोस्त है हमारा, बीवी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, हम कहते हैं ये तो चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ वो कहते देखो जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत मॉडर्न लाइफ हो गई है, लिहाजा इस चीज की जरूरी है। ओके चलो कोई बात नहीं, कहते हैं तो कर लो, वो कहते हैं तो कर लेने में फिर बड़ा लंबा फासला हो जाता है। किसी दोस्त रिश्तेदार की बात मानी, समाज की बात को माना, हम देखोगे बच्चों के यहाँ क्या बर्थडे मनाई जा रही है, जन्मदिन, पैदाइश का दिन, ये बड़ी गैर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये तो बड़ी मामूली सी बात है जी, बच्चे करते रहते हैं, लेकिन आप करने करने में फिर वो गिफ्ट्स लो, गिफ्ट्स दो, वाकयात लाओ, और एक अंग्रेज दिसंबर को याद करो, और पता नहीं कहाँ से कहाँ अब बात निकल जाती है घरों के अंदर, बच्चों बच्चियों में शायद मतलब खुशी के मकाम अजीब गरीब हो जाते हैं। शादियों पर आप देखोगे पहले आहिस्ता आहिस्ता गाना, फिर रक्स, फिर पति क्या क्या हो जाता है, तो बच्चे हैं जी, बच्चे बच्चे हैं जी, कोई बात नहीं है, चुगल है, मेला है, करते करते बात कहाँ निकल जाती है, अच्छी है ना बात। ये खैर और शर जो है ना समाज के रिश्तेदारी, यानी कि समाज के रिवाज, किसी रिश्तेदार के साथ रिश्तेदारी, किसी दोस्त के साथ वाकया, वो आपको ऐसा ऐसा ऐसे गुमराह करेगा जैसे रहनुमाई कर रहा है, और ऐसी रहनुमाई करेगा जैसे गुमराही दे दी, बात समझ ना। तो सबसे खतरनाक दोस्त जो है ना, और रहनुमाई के अंदाज में जब आपके पास आया और आपको रहनुमाई ने किया, गलत रास्ते पर चला गया, एक आदत ही बुरी दे गया, तो ये भी हो सकता है। अहवाल के अंदर, दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर अचानक ऐसे वाकयात हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एक ऐसा वाक्य होता है कि इंसान प्योर नेकी की तमन्ना में निकलता है, नेक लोगों की तमन्ना में निकलता है, और फिर उसको पर तो एक आदमी नेक नहीं मिला जिस तरह मैं चाहता हूं, वो नहीं मिला, रिजेक्टेड, एक दूसरे के पास गया, ये भी नहीं, देखो सुबह ये वाक्य था, ठीक नहीं है, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, फेल, वो आदत बन जाती है फेल की, और सच्चे के पास जाता है फेल पहले ही। कहानी इसकी लिखी है बुजुर्गों ने कि एक आदमी को किसी ने बताया कि ये दरिया के किनारे जो संग्रेजे हैं इसके अंदर पारस है, वो बहुत शुमार संग्रेजे थे, वहां बैठ गया, हाथ में एक लोहे की अंगूठी लेके पत्थर को लेता, घिसाता अंगूठी के ऊपर, कुछ भी नहीं होता, फेंक देता दरिया में, फिर वो कंक उठाता पत्थर को, फिर रगड़ता फेंक देता, पता दूसरी आयत होगी, उठाया लगाया फेंका, उठाया लगाया फेंका, और इतने में वो जो है ना पारस, उसको भी उठाया लगाया फेंका, फेंकने के बाद पता चला कि वो तो सोना हो गया, आदत बन गई है। बात है यानी कि गलत का इंतखाब, सही का ना इंतखाब, ये भी हमारी फितरत में है। चिविता बात समझ आ रही है आपको? अब मैं ये बात आपसे कह रहा था कि इंसान का तल्लक अपनी हवा से खमसा के जरिए भी है। पहले क्या कहा, अहवाल के जरिए, समाज के जरिए, समाजी आदात के जरिए, तौर तरीके के जरिए, रिश्तेदारियों के जरिए, दोस्ती के जरिए, और कभी कभी किसके जरिए, हवा से। अब ये हवा से खमसा जो है ना, ये बड़ा ही पहचान, नफ्स की पहचान में बड़ा अहम मकाम है इनका। रूह बाद में आता है, आप आ समझ रहे हो, रूह का मकाम बाद में, हवा से खमसा की बात कर रहे हैं। आंख अगर मौजूद है देखने वाली तो नजारा जरूर तासीर देगा। अब नजारे का तल्लक आपकी आंख के दम से है, नजारे खैर और शर दोनों मौजूद हैं, आप बात समझ रहे हैं।
खैर बाज औकात ऐसे होती है जिसमें चमक ना हो, है खैर, और शर बाज औकात इस अंदाज से आती है जैसे उसमें चमक हो और तासीर हो और आप पहचानने में गलती कर जाते हो। अब आज में क्योंकि आंख है उसने देखना है, देखने का तल्लक मैंने पहले ये चीज आगे पहले बताई हुई है, फिर सुन ले कि इंसानी आंख का देखने का तल्लक आपके बातनी सलाहियतों से हमा वक्त रहता है। फिक्र समझ आ रहा है मेरा? आपका आंख का तल्लक हमा वक्त बातन के साथ रहता है। जब आप चीज नजारा देख रहे हो ना, नजारा, तो आंख जब मसरूफ है मैं नजारा है, तो नजारा बजाते खुद तासीर करते करते या तासीर बनते बनते आपके किसी बातन में उतर जाता है। बातन में ना, अगर वो चीज जब वाकया आंख देख रही है और वाकया आपके जेहन में उतरा, कहां उतरा? जेहन में उतरा, तो आप ये समझ लो कि वो जो वाकया आप देख रहे हो वो आपको अकल से खा गया। और फिर अल्लाह ताला का इरशाद है कि फंजरू कैफा काना आकिबतुल मुकज्जबीन, फिर आप देखो, हालांकि देखो है कि देखो, सोच खुद खुद आ गई कि देखो कि क्या हुई आकिबत झूठों की। और जब आप देख रहे हो कि ये बस्ती, किसी जमाने में ये जो खंडर है महल होता था, और ये बस्ती कभी बस्ती होती थी, और ये उजाड़ कभी आबाद थी, आप आ सकते, तो फिर आप खड़े होकर क्या कहते हैं, यो कहां गई दुनिया और कहां गए वो लोग, और ये सारा सारा दार पानी है, और उनकी गुरूर वाली फितरत जो है, सरेपुर गुरूर जो है वो कहां चिकना चूर हो गया। ऐसे कहते हैं ना आप। अब ये आंख ने खुद ब खुद आपको इल्म का जलवा सिखा दिया, कुछ भी नहीं किया आपने, आंख ने कंटेक्ट दिया जेन को। यह बात है मेरे, आप बात है मेरे, और कर रहे ना, आंख ने कहां दिया कंटेक्ट? जेन को दे दिया। अगर आंख ट्रेंड हो तो नजारे को दिल की तरफ भेज देती है, फिर आके सुभान अल्लाह तबारक अल्लाह वासनुल खालकीन हुस्नु जमाल है के परी पैकर और निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, फिर आप ये कहते हो कि परी पैकर निगारे, अब आंख देख रही है और दिल पे असर कर रहा है। आप बात समझ रहे हो? खुसरो ने देखा ना नजारा, नजारा जब देखे खुसरो, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, तो वो क्या देखेगा? परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा होते दिल बूद सब जाए के मंदिर। इसको बंद कर दो, चलो इसको चलें तुम इधर, ये भाई दबा दो मंदिर। आप एक बात समझे, अब आंख ने उसको जलवाए हकीकत दिखा दिया अजमीर खुसरो को, एंड मुमकिन है कि उसने महफिल शायख ही देखी हो। नया बात समझे, मकसद यह है कि वो खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, एंड खुदा तो उसने देखा उसको, नहीं बात समझे कि अल्लाह बैठा होगा मीरे मजलिस और आगे शमय महफिल कोई मुशायरा तो नहीं हो रहा ना, अब उसको वही जलवाया नजर आया अभी शायख की महफिल में, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद सब जाए के बंदूद, और ये खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामकां खुसरो मोहम्मद शमे महफिल बूद सब जाए के बंदूद। अब ये नक्शा उसको इस जमीन पर नजर आया, आसमानी नक्शा। अब आंख जो सईद आंख थी ना, उसने शहादत दिखा दी, आंख ने कहा जलवे कहां भेजा? दिल की तरफ भेजा कि हम क्या देख रहे हैं, कि यह देख रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो ये इंसान की आंख जो है अगर जलवे को भेजे दिल की तरफ, उसे फिर दिल बरी नजर आती है। आप ये बात समझ आई? दो पानी। अच्छा, दिल बरी से मुराद हुस्न नजर आता है इस कायनात में। आंख जब नजारा आप पर कन्वे करती है दिल की तरफ, तो दिल के अंदर उस नजारे का हुस्न जो है
آپ کو فطرت کے حسن کے ساتھ ہم کنار یا ہم تعلق کر دیں. ایک مقام آ گئے نا کہ آپ کا رابطہ فطرت کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کسی ایک منظر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, پوری فطرت کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مناظر پیدا فرمائے ہیں. اب یہ خالی نہیں ہے کہ یہ پھول ہے, یہ خوشبو ہے, یہ بادل ہے, یہ چاند ہے, خالی آپ کو دیکھتے رہو نا. یہ سارے دروازے ہیں فطرت میں داخل ہونے کے. آپ کسی ایک چیز کو بغور اگر دیکھنا شروع کرو تو یہ سنائی فطرت کے ساتھ ہی آج سنت آپ کے تک واضح ہو جائے گی کہ سانے کی حقیقت کیا ہے. بولے سانے کے ساتھ تعلق اس کی سنت سے. اب اصل میں پہچان گئے تجھ کو تیری جلوہ گری سے. آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. تو فن سے فنکار تک آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے اگر آنکھ آپ کی اس نظارے کو آپ کے دل پر کنوے کرے. اور اگر وہ نظارہ نفس کی طرف چلا جائے, نفس کی طرف بے سر اور غلط خواہشات کے ساتھ, پھر آپ یہ کہیں گے یہ نظارہ میرا خیال ہے ساری اگر خزانے کو لوٹ رہے ہیں تو دو پیسے میں نے اٹھا لی تب کیا ہوگا. اب وہ منظر تھا, ساری کھائی جا رہے تھے, ملک کو سارے لوٹتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اگر تھوڑا سا اس میں سے دو اینٹیں اٹھا لی مکان بنا لیا تو کسی کو کیا جائے گا. اب وہ منظر آنکھ نے کہاں کنوے کیا, نفس کی طرف, اور وہ بھی اسی نفس میں مبتلا ہو گیا. اور یہی ہوتا ہے کہ شر جو ہے نا شر کے ساتھ ہی شر کو شعلہ ملتا ہے آہستہ آہستہ. اب اصل میں نا آنکھ نے وہ منظر نفس کی طرف کنوے کر دیا. آپ کبھی دیکھو کہ دیکھتے ہی احساس سے گناہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ خواہش سے گناہ پیدا ہو جاتی ہے. خواہش گناہ, اعلیٰ کے گناہ نہیں کیا اس نے, منظر کے ساتھ ہی خواہش گناہ کا پیدا ہونا یہ بھی عجب بات ہے. حالانکہ وہ بندہ صحیح سلامت جا رہا ہے زندگی کے سفر میں, اچانک اس کو آنکھ نے غلط رپورٹ کر دی, ایسے مقام کو رپورٹ کر دیا اور جس مقام کے ساتھ سوائے شر کے وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا. تو یہ آنکھ نے مطلب ٹریننگ نہیں تھی نا آنکھ کی, اس نے اس کو وہی ایسی جگہ کنوے کیا جہاں سے انسان کے احساسات جو ہے وہ پراگندہ ہونے شروع ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کبھی آپ دیکھو گے لوگ کہتے ہیں زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ ظلم ہے زندگی کیا ہے, اس نے آنکھ نے ظلم ہی دیکھا. تو کسی وقت مجھے زندگی کہتا رحم ہی رحم ہے, میں نے دیکھا ہزار بار لوگوں کو رحم کرتے ہوئے. کہتے لاہور شہر کے بارے کیا خیال ہے, کہتے گناہ ہی گناہ ہے. کہتے عجب بات ہے تم بتاؤ لاہور شہر کے بارے, کہتے فقیر ہی فقیر ہے, سارے درویش ہیں, یہ خانقاہوں کی بستی ہے. اب اس کو خیر نظر آئے گی, اس کو شر نظر آئے گی. اب یہ آنکھ کا کام ہے کہ جلوہ کدھر بھیج رہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, آنکھ نے رپورٹنگ جدھر کرنی ہے نا وہاں تاثیر ہو جاتی ہے. کبھی آپ دیکھو کہ آنکھ نے ایک ایسی چیز دیکھی غصہ پیدا ہو گیا, کوئی اور بات نہیں ہوئی, صرف دیکھا غصہ پیدا ہو گیا. خالی ایک آدمی دوسرے آدمی پر کوئی زیادتی کر رہا ہے, تیسرے آدمی پاس سے گزر لڑائی شروع کر دی, دیکھتے ہی غصہ آ گیا. آپ بات سمجھ رہے نا, کسی کو دیکھتے ہی پیار آ گیا, دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی, خالی دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی, اور دیکھتے ہی عبادت کے خیال پیدا ہو گیا, اور دیکھتے ہی عبادت سے معروم ہو گیا. خالی دیکھنے سے, خالی دیدار سے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھنا بذات خود ایک علم ہے, اور منظر بذات خود علم کی دعوت ہے. کتابیں کی بات نہیں ہو رہی ہے, منظر بذات خود علم کی دعوت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں جمالیات دیکھو, خدائی پیمانے جمالیات کے سانچے دیکھو, آستانہ دیکھو. آستانے سے کچھ بھی نہیں ملا, آستانے دیکھ کے کیفیت مل گئی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ان لوگوں نے موت کو میلا بنا دیا, کوئی اس کے پیچھے ایک بات ضرور ہے. بات یہ ہے وہ پھر آنکھ نے کچھ اس انداز کا جلوہ دکھایا کہ آپ کسی اور انداز کے انسان بن گئے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اگر کوئی آدمی جو ہے نہ اتنی عقل رکھتا ہو, آنکھ اسے مس گائڈ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرا رشتے دار ہے, یہ امیر کیسے ہو گیا. آپ اسی کا مقابلہ کرتے کرتے مر جائے گا کیونکہ آنکھ نے اس کو غلط راستے پہ چلا دی, صرف آنکھ نے. آج ادھر خوشبو ہے, اب خوشبو سے زندگی کٹتی جا رہی ہے. خوشبو پیار کی بھی ہوتی ہے, خوشبو دھوکے کی بھی ہوتی ہے, خوشبو جو ہے وہ الطاف اور کرام کی بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے نا, بدلے کی چہر دیکھو, بھٹک رہا تھا میں سود و زیان کے صحرا میں,
भटक रहा था मसूद और ज़ियांग के सहरा में, तेरे दियार में लाई मुझे तेरी खुशबू। अब खुशबू जो है वो उस दियार में लाई है। इसी तरह मतलब आप भी जानने वाले हो, आप देखोगे कि मक्का मस्जिद की खुशबू और है और मदीना मुनव्वरा की खुशबू और है, खुशबू का फर्क है। इस तरह खुशबू जो है ना, ये लतीफ और रूहों के साथ तल्लक की बात है, अलग अलग खुशबूएं होती हैं। आप ऐसे सब जानते हैं इस बात को, खुशबू का तल्लक जो है ना आपके एहसास के साथ है, ये आपकी खुशबू की सेंस, आंखों की सेंस। इस तरह बोलना, बाज अवकात इंसान तुरश बोलता है, बाज अवकात आहिस्ता बोलता है, रियासत वाली बात है ना। यानी कि कोई गैर आ जाए बिस्मिल्लाह जी हजूर, कोई अपना बंदा हो चल पीछे हो गुस्से से बोलता है, अपनी औलादों के साथ नहीं बोलता गुस्सा, यानी कि जहां गुस्सा बोलना वहां नहीं बोलता, बस नहीं ना। ये गुस्सा जो जबान बोलती है इसका कैफियत का इंडिकेशन है। तो जबान की ट्रेनिंग यह है कि गुस्सा आया हो तब भी ना बोलो गुस्सा। अगर जबान इसी ट्रेंड हो जाए, जबान दुआ बोलती है, जबान बद दुआ बोलती है, जबान कुरान बोलती है, और जबान जो है वो फोश गाने गाती है, और जबान हर तरह की हरकत भी करती है, आदि जो है ना गिरफ्त लोगों की आज जबान से होगी, आधे लोगों की गिरफ्तार लोगों के आधे जो होंगे ना, और वो शर नफ्स के आधे होंगे और आधे होंगे जबान के। तो इसलिए मतलब ये कि छोटा सा जो पुर्जा है आपके वजूद का, ये बहुत ही कारस्तानियाँ मतलब पे करता है, नेकी के रास्ते पर भी और शर के रास्ते पर भी। बड़ी मुरस्सा जबान वाला बदनीयत भी हो सकता है, बोले उसके अल्फाज उतार चढ़ाओ जीरो बम दिस एंड डैट अल्लाह बिल्ला करके गुमराह कर सकता है, कलमा पढ़ के झूठ बोल सकता है। अब आने वाली भी जो हुकूमतें होंगी वो पता नहीं मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे। मकसद यह है कि ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई ये कुरान पढ़ के उन्होंने क्या बोला तो उन्होंने क्या बोला। हाँ, जबान जो है ये इंसान के लिए शर और खैर की सनद है अपनी, कि इंसान का बातन आमतौर पर उसकी जबान से जाहिर होता है बातन का। अब जिस तरह आंख रिसीव भी करती है इम्पार्ट भी करती है, अब ऐसे में जलवा देती भी है आंख, तो आंखें जब मिलती है तो दोनों जलवा दे भी रही है रिसीव भी कर रही है, चार आंखें। आप समझिए आंखें चार होना मुहावरा है, चबीता मुहावरे से बैठे, दोनों आंखें रिसीव भी कर रही है और दे रही है जब। इस तरह जबान जो है वो देती है। अब आई आपके पास सवाल आपका कि समा के बारे में क्या ख्याल है। समा कान का फंक्शन है, जब रूह इंसान की रूह और अपनी तन्हाइयों में या अपने अंदर ख्वाहिश करती है तो वो कानों को मजबूर करती है कि तू कोई नगमा ले आ। तो इंसान इस सफर पर निकलता है कि कहीं से कोई नगमा आए, क्योंकि रूह की खुराक चाहिए, और रूह जो है ना वो पजमुर्दा हो गई, रूह अफसुर्दा हो गई। किसी दोस्त की आवाज ले आ, वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी बड़ी आवाजें सुन रहा हूँ लेकिन ये सब आवाजों में वो आवाज नहीं है, तो दोनों आवाजों में तेरी कौन सी आवाज है ना। आप बात ऐसी करते रहते हैं, ये भी आवाज है वो भी आवाज है लेकिन वो आवाज कहाँ। तो गोया के रूह ने कुछ आवाजों के साथ किसी जमाने में आसूदगी पाई थी, अब उनमें से कोई आवाज न मिले तो रूह बेचैन हो जाती है कि वो आवाज कहाँ है। रूह आवाज की मुतमन्नी होती है और आवाज की तलाश में निकलती है। आप आ समझ रहे हैं ना जबी साहब, तो आवाजों का सफर या आवाज सुनने के सफर पर चलती जा रही है। अगर आप आवाज के तौर पर सोचो, ये दुनिया आवाज ही आवाज है, किसी जिंदगी का सबूत उसकी आवाज से है। हर तरफ आपको आवाजें आएंगी, खामोश आवाजें भी आएंगी, बोलने वाली आवाजें भी आएंगी, सन्नाटों की आवाजें भी आएंगी, चीखने की आवाजें आएंगी, कर्ब की आवाज आएगी, दर्द की आवाज आएगी, नगमगी होगी, हर तरह से अफसुर्दगी की आवाजें, बेशुमार किस्म की आवाजें हैं। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आवाज से इंसान पहचाना जाएगा, जिससे शक्ल से आप पहचानते हो इंसान को, ये किस किस्म का इंसान है, बिहेवियर से पहचानते हो, 20 साल उसके साथ गुजारने के बाद भी नहीं पहचान सकते कभी कभी कि पता नहीं कौन निकला है। आवाज भी इंसान पूरा है, आप आ समझे ना कि आवाज। और सबसे पहले इस कायनात की तखलीक में जो अल्लाह करीम की पहली सिफत का इजहार हुआ वो है तकुन आवाज। अब आवाज जाने इसलिए कि फिर इंसान को बोलने वाला बनाया, ये बात की बातें हैं। पहला जो लफ्ज गुंजा था कायनात में कुन, ये कुन अमल है, कुन आवाज है, आप आ समझे ना कि हो जाए। तो गया कि ये फिर आवाजों का सिलसिला जो है ना ये चला जाता है। तो रूह की तमन्ना अगर हो नगमे की तो फिर इंसान समा की तरफ रागब होता है। अब समा अगर
اس میں صفات نہ موجود ہوں تو پھر وہ نغمے کی خواہش جانا گمراہ بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کی آواز کی اتنی طاقت ہے آواز کی کہ بڑے چلو مجاہدو وہ بیچارے مر جاتے ہیں جا کے, نہیں مارتے جاتے ہیں بیچارے شہید ہو جاتے ہیں, نہیں مارے کیونکہ نغمہ اوپر سے آئے نا بڑے چلو سب شکن مجاہدو, جب یہ کہتے ہیں سارے تھرل ہو جاتا ہے وہ سب شکن پتہ نہیں کیا ہوتے کیا ہے, وہ بیچارے جاتے ہیں لڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں لیکن وہ چلو شہید ہی ہو جاتے ہیں کچھ بھی کہہ لو. تو دشمن اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے لیکن وہ نغمہ سب شکن مجاہدو زیر بم کے ساتھ آیا تو انسان کے اندر خون میں تیزی پیدا ہوگی, ایسا ہے نا بات. اس طرح آواز جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ مثنوی مولانا روم آواز سے شروع ہو رہی ہے کہ نئے کو دیکھو یہ بنسری کو دیکھو اس کے اندر آواز کس کی ہے, غالباً کسی دوست کی جدائی کی فریاد لگ رہی ہے, غالباً کہ یہ نئے کسی درخت کے ساتھ تھی اور وہاں سے جدا ہو گئی, اب اس میں نغمہ نکل رہا ہے میں بھی بذات خود ایک نغمہ ہوں, یہ جدائی جو ہے کہیں کسی اور دنیا سے ہم آئے اس دنیا میں ہم رہے تو یہ ہماری آواز ہے ہمارا شعر و سخن جو ہے یہ بھی ایک فریاد ہے جدائی کی. اب بات میں تو گویا کہ نغمہ چلا. تو کہتے یہ ہیں کہ جب تک اس کے اندر ٹریننگ نہ ہو آواز گمراہ کر سکتی ہے. ایک آواز کے بارے میں ایک اور بات کہ آپ سارا آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اونٹ کو مارنے کی ضرورت کو نہیں ہے, صرف ایک نغمہ ہے ہدی خان کا وہ اس طرح گاتا ہے الاپتا ہے کہ اونٹ صاحب بھاگ پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اونٹ کیا چل پڑے ہیں, انہوں نے کہا یہ اس کی آواز میں ہے یہ جو ہدی خان ہے. آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے الاپو, اس نے الاپا اونٹ جو ہے نا وہ چل چل کے بس بھوم جھا گئے. آپ نے فرمایا بس آواز کی تاثیر اونٹ کے لیے ایک عجب مقام ہے, جس طرح ڈھول کے مطابق اونٹ بھی نغمہ کرے تمال کا جو ہے اچھے خاصے شریف آدمی پہنچ جائے ہل جاتے ہیں تمال ہو رہی ہو تو ہے کہ بات کہ وہ جس طرح کہ باہر طرز ہے کہ میر اکسانیم اے یار میر رکشم, جب اس میں رکشم رکشم ہوگا تو سارے کے اندر رکشم شروع ہو جاتا ہے, آواز کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اگر نغمہ سننے کی خواہش ہو اور یہ خواہش نفس کی نہ ہو یہ خواہش روح کی ہو تو پھر فرمایا فرمانے والوں نے کہ آگے اس کی شرائط ہیں, گانے والا مصفح ہو. آپ آج میں یعنی کہ وہ آدمی جو گانے والا ہے اگر وہی بدواتن نکل آئے تو پھر آواز جو اس کی آ رہی ہے اچھی بات ہے اچھا قول ہے, اگر قوال ہی اچھا نہیں ہے تو تاثیر غلط ہو جائے گی کیونکہ وہ بد نیت ہے. اس لیے پرانے زمانے میں قال بھی اچھا ہوتا تھا, قول جسے آپ کہہ رہے ہو, اور قوال بھی اچھا تھا, میرے محفل بھی اچھے تھے اور سامعین بھی اچھے تھے, کیفیت ایک مرتب ہو جاتی تھی, غیر ہوتا نہیں تھا, آواز آواز میں کام ہو جاتا تھا. اب جب کہ نہ میرے مجلس ہے اور نہ کوئی قوال ہے, قوال کی ذاتی زندگی ایک بھیانک قسم کی زندگی ہے, اس لیے یہ جو قوالی ہے اپنا فنکشن ترک کر چکی. اب آتے ہیں کیونکہ وہ میر مجلس نہیں ہے, جب میر مجلس صاحب کے مصروف ہوتا ہے انسان قوالی میں تو وہ ادھر سے توجہ میں مصروف کرتا, اپنی توجہ دیتا, توجہ کے اندر جو ہے اس کا مسئلہ کھل جاتا ہے, نقطہ کشائی ہو جاتی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ قوالی سننے کے لیے کہتے یہ ہیں سما انسان کو 3 دن کا فاقہ ہو, بھوک لگا ہوا اور روح جو ہے سماع سننا چاہے, کھانا تیار ہو, اگر روح سماع کی طرف جائے تو پھر چلے جائے. جو کھانا ترک نہیں کر سکتا اس کے لیے سماع سننا حرام ہے. جو انسان کھانا ترک نہیں کر سکتا, جو نیند ترک نہیں کر سکتا اس کے لیے سماع سننا منع ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ سماع جو ہے یہ روح کے ساتھ جا کے عبادت کا ایک حصہ ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. وجود سے نکل کے سماع ہے, اگر وجود میں رہنے والی زندگی ہے تو سماع نہیں ہے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہے سماع سننے کا, لیکن یہ جو سماع رائج الوقت ہے اس وقت کی بات کر رہے ہیں. صاحب 900 سال 800 سال ہو گئے, 1000 سال ہو گیا, کہتے ہیں یہ کیا کبے کی آواز ہے. اس لیے کہ سننے کی خواہش ہو قرآن سنو, سننے کی خواہش ہو نعت تک ہو. آپ آتے ہیں تو اس لیے یہاں تک تو بات صحیح ہے, آگے جو ہے نا بہت ساری باتیں جو ہے نا
वो कवालों की जाती जिंदगी के नक्श की वजह से नक्श वाली होगी। मगर जी आगे अब किसी का नाम क्या लेना है, आपको पता ये क्या थे, क्या कहते थे, ये एक बड़ी मशहूर कवाली है आपके यहाँ, क्या अब ये है कवाली है, नात है, ताज तारे हरम ओ निगाह है करम, बहुत अच्छी कवाली है, गाय भी उसने बहुत अच्छी है। मिसरा है, हवस थी दीद की मेराज का बहाना था, अल्लाह के साथ हवस का लफ्ज लगा के अब ये कवाली सुनना मन है आपको, निभाते रही क्या अल्लाह को, अल्लाह अपने हबीब के लिए हवस थी दीद की, उसे एंड कवाली के अंदर है, मेराज का बहाना था अजब सुहाना था समा, और ये उसमें मित्र आता आता ना मित्र, हवस थी दीद की, अब अल्लाह को इत्राम के बगैर बोल गया वो, नात जो है ना अदब से, नात अदब से हो नहीं सकती जब अल्लाह का अदब ना हो, इसलिए अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद सुनना मन है, क्योंकि वो जो मकामात हैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर यही कंफ्यूज कर दो तो फिर समात आ गया, नहीं बात नहीं समात फिर ना रह गया ना, मकसद ये कि एक समा की मैं आपको बताता हूँ, एक जगह पर समा हो रहा था, मैं खुद देखा साबरी सिलसिले के बुजुर्ग समा हो रहा है और सिगरेट भी चल रहा है, हुक्का भी चल रहा है, समा हो रहा है, उस सुबह का वक्त अजान होगी, समा बंद होगी, कहते लो अब आया मौलवी अल्लाह को ढूंढने, अल्लाह सारी रात हमारी महफल में रहा है, आप नहीं बात है, ये भी ज्यादा की बात, सारी रात समा सुनो और सुबह नमाज की तौफीक ही ना हो, तो समा सुनने वाले जो है ना बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ और बड़ी पाबंदियों के साथ, बड़ी पाकीज़गी के साथ अपने रूह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए समा सुनते हैं, कि ये रूह की ख्वाहिश है, इसलिए समा जो है ये जायज है कब, अगर कुछ सुनाने वाला हो, बात नहीं ना, अगर कोई मेरे मजलिस हो और अगर इंसान जो है भूख को तरक करना जानता हो तो फिर समा जो है ना आपके लिए मुबाह है, जायज है, और अगर आप भूख भी लगती है, खाना भी आप खाते हो, तीन दिन का आप फाका नहीं कर सकते हो समा के लिए, तो फिर मेरा ख्याल आप खाने खाओ, आप समाज ना सुनो, समाज नहीं सुन सकते आप, बात नहीं ना, और जो लोग ये कहते हैं समाज ना सुनो वो भी एक समा सुनाते हैं, वो है जिक्र अल्लाह का, कि अल्लाह करीम का जब जिक्र करते हैं तो ये आवाज भी है और कैफियत भी है, जब एक रिदम में आ जाता है अल्लाह हू का जिक्र तो ये बताते खुद एक समा आ जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र आ जाए रिदम में आ जाए तो ये एक समा है, इल्लल्लाह का जिक्र हो जाए ये एक समा है, समा का माना कि वो अल्फाज सुनना जिससे आपके बातन की इस्लाह, बात नहीं, और ये इस्लाह जो है ना किसी की मौजूदगी, बुजुर्ग की मौजूदगी में होनी चाहिए, क्या बुजुर्ग होना चाहिए, वो कवालों को गाइड भी कर सकता है, अब ये वक्त है अब ये बात सुनाओ, और याद रखने वाली बात है कौल जो या कि कलाम हो, कलाम किसी रहमतुल्लाह अलैह का होना चाहिए, ये नहीं है कि ए बी सी इधर से कोई मिल गया, उधर से मिल गया, कल सुना कल को गजल ही सुना दे, चलो कोई मौजूदा गाना ही सुना दे इस दौर का, ये फिर इंसान के लिए तबाही है बातन की, इसलिए इसको नहीं सुनना चाहिए, या सुनाने वाली कोई ऐसी आवाज सुना रही है जिसका तलक ही नहीं है आपके बातन के साथ, जाहिर के साथ या नफ्स के साथ है, तो फिर बेहतर है अवॉइड किया जाए, तो समाज अवॉइड किया, तो ये एक शुरू में जब रायज किया गया हमारे यहाँ काय साहब के जमाने में, तो ये था क्योंकि हिंदू जो लोग थे जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होते उनके मिजाज में था भजन, उनको मतलब महरूम न किया जाए, तस्ना न किया जाए, उनको उन्होंने समा अहवाल सुनाए, कवाली सुनाई, बल्कि कौल मन कुन तो मौला मतलब इस तरह उनको सुनाया, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के फंक्शन की तरफ रागब किया, आवाज जो है इंसान को बहुत गाइड करती है, आवाज से लोरी होता है ना नींद आ जाती है, समा की तासीर तो है ना, क्या लोरी आए तो बच्चा सो जाता है, और जगाने वाली आवाज हो जाग पड़ता है, और मार्च ऑफ द आर्मी हो तो फौरन इंसान के अंदर वलवला कि दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, पता नहीं कब पट जाएगा पलट जाएगा, इतने गाने थे ना आपके यहाँ, कहते नगमे ये क्या कहते हैं कौमी तराने, कौमी तराने जो वो बजते रहते हो बड़ा एहसास पैदा हो जाए, वो अलग बात है कि पता नहीं क्या हुआ वाकयात क्या हो गया, बारह तरानों का असर होता है, तराने पर आप सुना जाए सुनना फर्ज हो जाता है बाद अवकात है ना, अक्सर अवकात बल्कि हमेशा ही, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुनो वह आपको रियल कुरान, आप किस तरह है
اللہ اندازہ لگا سنو یہ فرض ہے اللہ کا حکم ہے اور غور سے سنو. تو گویا کہ سننا جو ہے نا یہ انسان کے لیے فطری بات ہے. وہ بات سنو جو حق ہو اور وہ بات سنو جو حقیقت ہو. وہ قول سنو جس کے کہنے والا کوئی معتبر ہو اور اس کو حال کو سنو جو بذات خود معتبر ہو اور اس محفل میں بیٹھو جو محفل معتبر ہو. تو پھر آپ کے لیے قول قوال اجتماع بذات خود ایک چیز ہے. ورنہ اس کے علاوہ اگر بات ہو تو پھر دور سے سلام کہو, کھانا کھاؤ, لنگر پکا ہوا ہوگا تو آپ کے گھر چلے جاؤ, پھر وہ بہتر بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر آواز کائے کائے ہو جاتی ہے. کیا ورنہ سما کا اثر اثر تو مصنوعی ہے, مولانا روم ہے, بڑا اثر اثر ہے اس کا ہر چیز کا. کیونکہ علم سما کے ذریعہ تھا نا کہ وہ ایسا سا علم بیان ہو جاتا ہے, وہاں سننے والے سن لیتے بھائی یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ اس نے کہا, یہ اس بزرگ نے کہا. آدھا انسان کا علم جو ہے پھر وہ محفلوں میں سے مل جاتا ہے اگر صحیح محفل ہو, نہ ہو تو پھر یہ شرارت ہے اور غلط. اور گھر کا سالو اس کے اندر ہے مہاجن پھر غلط ہو جاتا ہے. قوال گا رہا ہے پیسے کے لیے, یعنی کہ رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں, اب رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں, اب جھوٹی شہرت کے یہ بھی بنا ایک سبب. پیسہ دینے کا ہے ہوش مستی عجب, سارے ابدال ہیں سارے یاران رب سارے جھوٹ ہیں. کہ میں بتاؤں تباہی کا کیا ہے سبب, اٹھ گیا شہر سے نالہ نیم شب. نیم شب قوالی میں لگا رہے ہو تو نالہ نیم شب کیسے لوگے اور شہر تباہ ہو گیا. کون سے شہر جو بھی تباہ نہیں ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ اس کا بڑا احساس ہونا چاہیے کہیں جھوٹا ہی رقص شروع کر دو. ایک آدمی رقص کر رہا ہے قوالی میں, چکھا تو ریش آدمی بس کر, کہتے ہیں بڑے انویسٹمنٹ کر چکے ہو, بڑے پیسے چکے ہو, چلنے دو. آپس بے ہوش ہو گیا اسے پنچ بہو ہوش ہوتے. بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو کام لوگ ہوتے ہیں. احترام وجود کے اندر بھی احترام, خیال کے اندر بھی احترام. اس لیے جب صاحبان آستانہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں قوالی اپنے احترام کے ساتھ ہوتی ہوگی, آج بھی ضرور ہوتی ہوگی. اور اس مقام پر جا کے سننے کا کبھی موقع ملے ضرور سن لیں. مثلا کبھی توحید شریف جانے کا وقت ملے رات کو قوالی ہو اس کا موقع اچھی ہوگی, گوڑا شریف میں اچھی ہوگی, چال شریف ہوگا اچھی. یہ چشتی سلسلے جگہ لوگ ان کے ہاں جو ہے نا آستانے پر کم از کم قوالی پرانے کسی احترام کے ساتھ ہوتی ہوگی. لیکن روٹین میں ایک مصرع بولا گیا بدلا اور رٹ جاتا ہے, اس کا قوال بھی کچھ کہا نہ سنا رٹ پڑ جاتا. اس طرح یہ دادا صاحب کے ہاں جو قوالی ہے کبھی آپ سنو تو عجیب و غریب, اگر ذرا غور سے سنو تو آپ کو کچھ سمجھنا ہے کیا کہہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی دادا صاحب کو بڑھا دیا تب سے, کبھی قوالی میں کچھ اور بات کیا گیا, کبھی کچھ اور بات کیا گیا. احترام سے آگے پیچھے جاتی بعض اوقات. آنکھ کیا ہے وہ ساگر صدیقی کون سی ہے, آنکھ گلابی مست نظر ہے, ہاں اللہ ہی جانے کون مشر ہے. یہ نعت کے طور پر کہہ رہے ہیں. اب یہ نعت کا تو بات نہیں بنتی, مست نظر ہے, آنکھ گلابی, یہ طرح کی بات نہیں بنتی. تو بڑا بے باک گساخ کیا تھا. وہ قوالی بنتی ہے کتنے میر ہری کتنے دیری سنا گستاخ کی آنکھ کتنے جا رہے ہیں, یہ ہو سکتی ہے. ایک قوالی بن سکتی ہے سید و سرور محمد نور جہاں, یہ قوالی بن سکتی ہے. یادو سرمایہ امام بود ہر گدا از یادو سلطان بود, یہ قوالی بن سکتی ہے. تو قوالی خود بخود چل رہا ہے کہ یہ قوالی بن گئی. امیر خسرو بولے تو قوالی بن سکتی ہے. من عثمان ہارونی یار شیخ منصورم ملامت بھی قدر خل کے من دربار دربار بھی رسم بردار بھی رسم, یہ ہو سکتی قوالی. کیا ایسی لوگوں کی قوالی سکتی ہے کہ بیا دانا تماشا کن کدھر امبو ہے جام بازاں بسد سامان رسوائی سر بازار میں رکھ. مقصد یہ کہ یہ ان لوگوں کا ایک مقام پر جا کے انہوں نے بات کہی اور اس مقام کی ریکارڈ ہے. تو گویا کہ سما سننا یوں اچھا ہے کہ سما سے پرانے لوگوں کے ریکارڈ نظر آتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے اس نے بات لکھی, کون سا وہ مقام ہے. خدا خود میرے مجلس بوت اندر لامکان خسرو, لامکان خسرو کیسے گیا,
या फिर यही है कि ये मकान कभी लामका हो जाता होगा। अब आपके लिए पॉइंट आ गया ना, किसी मकान में लामका का नक्शा है आपके लिए इल्म आ गया है ना बात। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां की बात वहां इंसान पहुंच जाता है। इस तरह एक और मतलब मकाम आप यूं भी सुनते हो कि जो हमें सजदा करने से काम है जो वहां नहीं तो यहीं सही। मकसद यह है कि वो एक अच्छा मकाम है कि जहां इंसान जो है वहीं अपने अंदर ही एक बातन में दाखिल हो जाता है। ये वो वारदात के शार हैं। मकसद यह है कि डबो दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी। उठा कर मैंने लंगर छोड़ दी तेरे सहारे पर, मगर ये एक मकाम है। अहले जहां को क्या खबर, कौन है मुझ में जलवा घर, मैं हूं कहां तुम ही तो हो, असल में राज है यही। ये कवाली हो सकती है, कवाली हो सकती है कि मामूर हो रहा है आलम में नूर तेरा, अजमा हता बमाही सब है जरूर तेरा। अब असल में ये हो सकती है कवाली, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं बोला बला वो कह के अलग, कहीं रिंदों का पेशवा देखा। मतलब यह कि ये एक मकाम है, कहने वाला अगर साहिब मकाम है तो कौल भी साहिब मकाम है। इसलिए आप कौल की तलाश करो और जरूर पूछना हो कि भाई ये कौन सा कलाम सुना रहे हो। बाबुल शाह का कलाम जो है ये एक और मफहूम है, सुल्तानुल आरिफीन का कलाम और मफहूम है। जब तक आप इनकी सलासल में न हो या इस तरीकत में ना हो फिर वो कलाम आपको कौल बात समझ नहीं आएगी। क्या बुल्ले शाह की तरीकत क्या है, फिर एक अकबर के सैया क्या हो गया, वो कौन है सौ नगरी में आ गया, खड़ियाली निकाल दो, पिया घर आ गया, कैसे दिया बात। अब ये पिया घर आने का मतलब ये है कि दिल में कोई याद किसी अल्लाह की आ गई, अल्लाह ताला की याद, जिसे कहते हैं कि वो कह मेरी बुक्कल देवी चोर कि तुम क्या जानो क्या हो गया, ऐसा बात इस तरह की बात है। ये मतलब एक मकाम है। इस तरह पर उसकी कवाली सुनती है मियाँ मोहम्मद साहब की, कि वह किस तरह बयान करता है कि माली दा कम पानी देना ते पर मुश्का पर ते इस तरह आगे क्या मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे, ऐसी बात है ना। तो वो ये मकाम हो सकता है और उसको बयान कर रहे हैं कि सूरज दी सुनाई को लूँ की लब्बा नीलो फरन, उड़ उड़ मोए चकोर मोहम्मद खबर ने यार कमर नू। दर्द को बयान करता है, दर्द की एक और बात है, मिसाल की और बात है। इसलिए आप कवाली को या समा को सुनने से पहले आपने उसको याद करना है। अच्छे आदमी के लिए कवाली अच्छी है, बुरे के लिए बुरी। आगे काफियत अच्छी है तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं अच्छी है तो फिर आप बच जाओ, क्योंकि इसने आपको मुतहरक करना है आपकी डोमिनेंट सिफत के मुताबिक। डोमिनेंट याद रखे, गालिब जो सिफत है ना उसी को इसने एक्साइट करना है। अगर वजूद है तो वजूद बना देगा, अगर रूह है तो रूह बना देगा, दिल है तो दिल बना देगा, जो आप में सिफत है उसको तेज कर देगा। कवाली जो है तो ऐसा ना हो कि नफसी हो, नुमाइशी हो, ऐसा ही ना हो कि लोगों में शोहरत की ख्वाहिश हो कि वो बाबा जी घुंघरू वाले आ गए तो बाबा को घुंघरू तो डाल दिए, बाबा घुंघरू तो देखते जा रहे हैं। तो भाई ये बात ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना बात। क्या जाली के नाम आ रहा है तो इसमें घुंघरू की बात क्या, रस की बात क्या है, अदब से इस्तकबाल करो। नहीं बात नहीं, कौन महफल में कैसे आया, समझ रही बात। इसलिए हर चीज की तरह, तमाम इदारों की तरह, तालीमी इदारे या तालीम में का शोबा एज एन इदारा, समझ रही बात। एक इदारा है ना तालीम, और शोबा है तालीम, शोबा है सहाफत, शोबा है उलमा, शोबा है मशाइख किराम, शोबा है सियासतदान, शोबा है हुक्मरान, सारे के सारे खत्म हो गए, शोबा समा भी खत्म हो। जो इनदाद बाहर आया इसमें भी आ गए। अब तो आपकी तनहा इबादत ही अब महफूज होनी चाहिए। अभी जो है ना ये बेहतर मकाम है कि तनहा इबादत आपकी सर और संगे दर सजदा जो है ना महफूज होना चाहिए, क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है कि आप इसको उछालो या इसको खोलो या खिलो, बल्कि आराम से गुमनाम होकर जिंदगी बसर करो। सारा सारा बात यह है, अपने आप को खुद ही वाच करो, खुद ही निगरानी करो। अभी किसी पीर का मिलना मेरा मौकी बात है, क्या कोई निगरानियाँ हो अपनी निगरानी आप करो, अपने अहवाल का आप ख्याल रखो भाई। अल्लाह के आगे तुमने जवाबदेह होना है, किसी आपकी वजह पर या आपके लिए किसी पीर ने जवाबदेह नहीं होना, ना आपके बारे में पूछा जाएगा आपके माँ बाप से, आपसे पूछा जाएगा।
कि भाई देखो मेरा पैगाम मिला, तुमने कुछ किया, उसके बारे में जवाब दो। और अगर कायद पर हो जाती है जामा चाक, तो फिर ये ठीक है, फिर कवाली सुनो, फिर ऐसा काम है चाके हस्ती है काट डालो। ये और लोग होते हैं, उनकी जिंदगी और होती है। आरजू का किस्सा और है, एहतियात के मकाम और है। आरजू बे एहतियात हो जाती है, एहतियात के मकाम रहे तो बहुत बेहतर है, वजन में रहे खानी। इसलिए कवाली से अगर गुरेज कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर रूह मजबूर करती है तो खाने का काम अगर सर तीन दिन के लिए आप एक दिन का जरूर फाका करो, आपको इजाजत रहने देते हो, यानी कि तीन खाने जरूरी खाने न खाए हो एक दिन के, नाश्ता भी ना हो, दोपहर का खाना भी ना हो, शाम के खाने से भी जरा परहेज हो, फिर कवाली सुन लेना। तो अगर इतनी कर सको बात तो कवाली सुन लो, वो भी किसी आस्थाने पर, किसी बुजुर्ग की महफिल में, किसी नेक कवाल की जबान। वरना ये टीवी शीवी ऐसे बेचारे पैसे के लिए खाते हैं, इनको आपको पता ही है ड्रामा लिख लेके पागल होते रहते हैं, ड्रामा इस्लाह के लिए नहीं लिखते, पैसों के लिए लिखते। अगर ये टीवी वाले कहेंगे पैसे आज नहीं दिए जाएंगे, ड्रामा लिखने की इजाज़त है आपको, बड़े बड़े बदले पे हमारे दोस्त भाग जाए निभाते थे कि पैसा नहीं लेते, फिर कौन सा ड्रामा लेता है, बड़ी दूर की बात लाते हैं पैसे की खातर, गाने वाला जो गाता पैसे। तो इसलिए पैसे की खातर गाना ये बजाते खुद ही गाने की नफी है, तो पैसे के दम से सुनना ये भी जुर्म है कि जेब में आप पैसे डाले हुए, पैसे को नया नया नोट है, कवाली हो रही है, क्या हो रहा है, गिनते जाओ लगा जाओ, ये सारे का सारा बाप ही उलट गया। और बच्चों की हालत घर में फिर वही होती है जैसी होती है, तो ये साल में एक दिन के लिए दादा साहब जाते हैं, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ लोगों को एजेंसी मिलती है कवाल की तरफ से, मैं बता रहा हूँ राज, कवाल खुद ही पैसे देता है कि मेरी महफिल जब शुरू हो तो बिस्मिल्लाह कर देना, वो बिस्मिल्लाह करता है, नोट लुटाता है, वो दूसरे को देखा देखी जोश जुनू आ जाता है, चल से चल बात चल निकलती है, यानी कि एक कवाल को एक नशिस्त में 10-15 मिनट मिलते हैं सिर्फ दादा के उस पर, आधा घंटा बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि दादा होते हैं ना आधे घंटे की नशिस्त में 8,000-10,000 रुपया उनको मिल जाता है, या आधे घंटे की नशिस्त में, उसमें अलाप भी होता है और उसके अंदर जो मिस्रा एक ही होता है बस, ठीक है कि चल बात खत्म हो जाती है, ये पैसे के लिए सारा फंक्शन होता है। ये असल में जो दादा साहब का उर्स है, फिर उसकी बात आ गई, उर्स ना कवाली है, दादा साहब ने सुनी नहीं, ख्वाजा साहब जो है ना तो सुनते हैं, बाबा फरीद साहब के यहाँ होती है, अंदर आस्थाने में होती है, अब एक फंक्शन है होता है वो, दादा साहब के ना कवाली है उर्स, ना बाहर जो पार्टी दरवाजे से लेकर अंदर तक जो मेला लगा हुआ है, बल्कि खाना लगा हुआ है और कसूर के दस्ते लगे हुए ना, इसका तलक नहीं उसके साथ, और इसका बिल्कुल मतलब है कोई तलक नहीं उसके साथ, इस भीड़ का कतन तलक नहीं दादा साहब के साथ, जाने वालों का कतन तलक नहीं होता दादा साहब के साथ, जिसका तलक होता है उसका तलक ही होता है। अब आ सकते ये सारी भीड़ शीड़ लंगर खाने और साल में एक दिन सारा साल दूध में पानी मिलाने वाला एक दिन खाला दूध ले गया तो क्या ले गया, यानी कि रिश्वत दादा साहब को दी और दादा साहब के मरीजों को लूटने की रिश्वत है, फिर सारा साल पानी मिलाते हैं एक दिन के लिए मगफरत होगी और दादा साहब के प्योर सबील दूध की मिल जाती है। अब आ सकते तो ये ज्यादती है और ये तगीन है, इसी दादा साहब के रास्ते पर उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए कोई ख्वाहिश मान नहीं जाता कि मुझे भी बताओ कि रास्ता क्या है, इसलिए वहाँ जाते हैं आरजुएं एक गंजे बख्श को यह समझते हैं कि शायद वो खजाना लेके बैठे हैं, वो गंजे बातन है, गंजे उलूम है और गंज है अल्लाह ताला की याद का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रास्ता है, ये खजाना है, और आप समझते हैं कि दे दादा पैसे दे, उसका तलक खजाने के साथ नहीं है। राज आलम मज़हर नूर खुदा, नूर का तालब जो है वो गालिबन जाता नहीं वहाँ पर, तो उसको जानना चाहिए। इसलिए अगर आप वहाँ जाओ, कोई साल हाथ साल के बाद कोई एक आध आदमी जाता है और ख्वाजा साहब आए दादा साहब के पास, नक्शा बदल गया, अजमेर शरीफ में जलवे हो गया, आपको पता है कि जलवे हो गया, और उनकी मिन्नतों से जो बंदे मुसलमान हुए हाथ खड़ा खा के पाकिस्तान बना लिए। ये बुजुर्गों का कमाल है और ये इनकी बात है, कवाली सुधार से लोगों को मुसलमान कर लिया और पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। बुनियाद जिस तरह बाबा फरीद साहब आए इस जगह ना अजोधन था,
پہلا پاک کا نام تو انہوں نے رکھا تھا, پاک پتن رکھ دیا. کیا پاکستان کی ایک قسم کی ابتدا وہاں سے ہو گئی ہے کہ اپنی بستی کو پاکیزہ کرنا, اجودھن کی راجدھانی کو انہوں نے پاکستان بنا دیا, پاک پتن شریف بنا دی. کمال ہوتا بزرگ کا کہ اس بستی کو شریف بنا دیتے ہیں, کلیر شریف, پاک پتن شریف, اجمیر شریف, سرہند شریف اور ساری شریف جی. چلو جس کو بسم اللہ کا استعمال کر رہا غور والی ہے. آپ اپنے خواہشات اور ان خواہشات کے ذرائع اور حضرت کمسا جیسے, ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ رجوع ضرور کر دو. حضرت کمسا کو مسلمان کرنا ہے, آپ کا قوت دیکھنے کی, دیکھے تو غیر حق نہ دیکھے. اگر شہر میں غیر حق زیادہ ہے سفر کر جاؤ, مسافرت کر جاؤ, نظاروں کے باہر جا کے تلاش کرو, اس بستی سے الگ ہو جاؤ جس بستی میں جو ہے گمراہی زیادہ ملتی ہے دیکھنے کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, مقصد یہ کسی کہتے ہیں کہ سیوری پہ لڑکے مقام آ گیا کہ کیونکہ گھر میں کہیں اگر دقت ہو رہی ہے یا کوئی ایسا نیک آدمی کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے, نیک نظارے کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے. آپ ایسے نیک احوال کو دیکھنا, نیک واقعات کو دیکھنا, نیک واقعات کو سننا نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے انسان. تو آپ نے آپ کو یہ صرف ابتدا ہے, اس کے بعد پھر آپ کو جب شوق چل جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں, اور ہر آدمی نے تلاش کیا ہوگا, اسلام کے علاوہ بھی ہیں اور بھی مذاہب ہیں اور بھی ادیان ہیں. تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ راستہ اسلام. پھر اسلام میں جو فرائض طے ہو گئے اس پہ بیٹھ گئی ہیں, طے ہو چکے, حکم ہو گیا, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. اب روزے کی وضاحت نہ کرو, اس سے یہ ہو جاتا ہے, اس سے وہ ہو جاتا ہے, اس سے اصلاح ہو جاتی ہے, حکم آ گئے, حکم کی اطاعت ہوتی ہے. حج اگر ہے قابل تو اطاعت, اس طرح تمام جو کام ہے ان کی اطاعت. اس کے بعد پھر ایک وقت بچ جائے پھر آپ کو شوق پورے کر لو, پھر آپ باطن کے اور قوالی کے, پھر آج کجا بھی آیا دی آواز دوست, پھر آپ کو آئے گی ہر طرف سے آواز, تو یہ اس وقت آپشن ہو جاتا ہے. اس لیے وہ خیر ٹھیک ہے خواہش آپ کی کہ آپ کو سننے کو دل کرتا ہے, لیکن سننے کا تعلق جو ہے نا انسان کا روح کے ساتھ ہو. ہاں اور آپ سوال کرو, بولو سوال کرو, کیا سوال کا ہی سسٹم ہے اس لیے آپ سوال کرو. سوراج صاحب, روکی صاحب, سب صاحب, نماز, ہاں ہاں اس کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے یہ ہو جائے گی. اچھا آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رحمت ملے, مل جائے گی. یہ سستی ہے اور کوئی بات نہیں ہے, بولو آپ کیا کہہ رہے تھے. دیکھو ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ زندگی انسان کی کہاں آ کے بہتر ہوتی ہے, جس نے پیدا فرمایا, اور پیدا فرمانے والے نے ہی آپ کی آسانی کے لیے, آپ کی باطن شناسی کے لیے ایک دین عطا فرمایا. پیدا بھی اس نے فرمایا, خیر شہر کی رونقیں بھی اس نے لگائی, یہ رونقیں ہیں, میلہ ہے, اور آپ کو ایک طرف راستے کی طرف راغب بھی اس نے فرمایا, اور اسی کے بتائے ہوئے راستے سے ہی
आपके अंदर जो है वो नेकी पैदा होती है। इसके अलावा रास्ता क्यों नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। सवाल क्या है आपका? जब आपको हुक्म दिया उस हुक्म की इफादियत, उसका एहसान आपके लिए वो हुक्म क्या लाएगा, ये अल्लाह करीम को बेहतर मालूम है। आप जब हुक्म मान रहे हैं तो हुक्म मानते मानते आपके अंदर इबादत आ गई, चलो आदत की इबादत आ गई, कि यही एक चीज़ इबादत का ज़रिया। इसी ज़रिए में अगर कहीं आपका तल्लक बातन के साथ मिल गया तो ये साधन बन गई। ये भी दरवाजे हैं हकीकत के, हवात खमसा भी हैं, अफराद हर फर्द आपके लिए खैर शर का दरवाज़ा है। इसी तरह ये जो इबादत के ज़रिए हैं इनके अंदर भी अल्लाह ताला के तकर्रब के दर्जात हैं। इबादत जब नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज इन इटसेल्फ कुछ है नहीं है, अल्लाह के करीब आने के लिए पसंदीदा आपकी पोज जो है वो इबादत का है। वरना आप हर वक्त अल्लाह के करीब हो सकते हैं लेकिन अल्लाह के तकर्रब की इंतहाई हालत जो है वो ये है जब आप सजदा कर रहे होते हैं। क्यों अल्लाह करीम ने जब एक दफ़ा बड़े शौक से फरमाया कि सजदा कर और करीब हो जा, तो ये दावा है सजदा करने से अल्लाह के तकर्रब के मिलने का। तो आपको सजदा तो आप करते हैं, तकर्रब कभी मिला कभी नहीं मिला। अगर एक बार तकर्रब आपका मिल गया तो सारी ज़िंदगी मुकर्रबीन की सी जिंदगी होगी। तकर्रब सिर्फ एक लम्हे का होता है, यानी कि एक लम्हा, जिस तरह एक लम्हे का आँच हो जाता है हमेशा के लिए बदन झुलस जाता है, एक लम्हे की आँच थी, एक लम्हे की चकाचौंध रोशनी जो है वो आपकी बिनाई आगे पीछे हो गई, एक लम्हे का गम सारी ज़िंदगी गमगीन कर गया, एक लम्हे की मुसरत आपको हमेशा के लिए खुश कर गई, और एक लम्हे का किसी खूबसूरत चाय का दीदार ज़िंदगी में बहार कर गया। हो सकता है ना ऐसी बातें, कुछ शायराना तो नहीं है, है कि अचानक ऐसे वाक़ात हो सकते हैं। इसी तरह कभी एक सजदा आपका अगर एक भी मकबूल हो गया तो सारी ज़िंदगी मकबूल हो गई, और अगर आपका एक अमल नाराज़गी का अमल बन गया तो फिर ज़िंदगी सारी गुमराह होगी। हाँ आवेदा तमाल हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जब ये फरमा दिया कि हमने जब कहा वल्कुलना लिल मलाइका तस्जुदू लियादमा फसजदू इल्ला इब्लीस, बजाट बड़ी मामूली सी बात, हमने कहा वजह से इसको सजदा करो, सबने किया अल्लाह इब्लीस, इब्लीस ने किया, अब अस्तगफारा व काना मिनल काफिरीन, वो काफिर में से था, आपने बात समझ ली कि कुफर किया, हमने उसको निकाल दिया। अब ये देखो जब ये समझ रहे हो कि अल्लाह अपनी कमजोरी बयान कर रहा है, ये आपने इंतहाई बदले में है बेनियाजी बयान कर रहा है, करोड़ों साल की इबादत नहीं माना तो हमें उठा तुम्हारा, आप बात समझ रहे हैं। मकसद ये है कि आप इंसान हैं, ये कर रहे हैं कि एक इनकार जो है उसकी करोड़ों साल की इबादत रह गां कर सकता है, और तुम तो कितने आकाम से रू गर्दानियाँ करते रहते हो, बल्कि मनमानियाँ करते रहते हो, और बल्कि बदिक्या दिक्या करते रहते हो, इसलिए ये ख्याल रहे कि अब बड़े ही बेनियाज जाता है, इसलिए ये ख्याल रखो कि बड़ा है अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इसके बावजूद आपको वो रांधा दरगाहनी करार दिया। किस स्टेज पर आपको अल्लाह ताला ने अहवाल बता दिए, रास्ते बता दिए अपने तकर्रब के, और अपने मुकर्रब सबसे बड़ा जो मुकर्रब है अपना अल्लाह, अपने हबीब प्रॉफिट के आपके उम्मत से पैदा किए, शुक्र ही शुक्र करो, ये तो आपको नजराने दो और आपको रौनक लगाओ, बल्कि थोड़ी सी कवाली भी सुन लो इसी खुशी में कि भाई तेरी मेहरबानी है, मैं हूँ सुनया मेरा शो नगरी में आया है, तो ये कवाली भी हो जाए, कोई की बात नहीं, अब आते मेरे इस खुशी में, लेकिन ये देखो कवाली ने सुनते रहना सारी उम्मत का अमल भी है। तो अल्लाह करीम ने जब आपको ये नमाज बताई है तो नमाज एक अमल है, इसके अंदर एक लम्हा आ जाए तो ज़िंदगी बन गई। मैं ये कहता हूँ कि इब्लीस की ज़िंदगी में एक लम्हा आया ना समझी का, और उससे गलती हुई और हमेशा के लिए रांधा दरगाह हो गया। बाद में डायलॉग बोला इब्लीस से अल्लाह ताला से कि आपने मुझे समझाया नहीं था कि हाँ हाँ अब नहीं, मतलब ये कि मेरे साथ आपने जाती है, बल्कि एक जगह और है
اللہ تعالیٰ پہلے بتایا سورہ شریف میں کہ جب شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے انسان سے کہتا ہے پھر کفر لیا اور انسان کفر کرتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ تو تم نے کام کیا جو کیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ بدستور ڈرتا ہے اور آپ ڈر بھی ہو جاتے ہو اور وائلیٹ بھی کرتے جاتے ہو تو پھر آپ کو اعتماد کس چیز کا ہے, اس کا نام بتاؤ, اگر وہ نام معلوم ہے تو پھر اعتماد ہے. آپ حضور پاک کی رحمت کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر گناہ بھی کرتے ہو اور پھر اعتماد بھی لے کے بیٹھے ہو تو پھر آپ کس خیال میں بیٹھے ہو. یعنی کہ وزن آپ نے کر کے دینی ہے عبادت تو پھر اگلے جو ہے وہ چن کے لیں گے, گن کے لیں گے, اس طرح تو ہے نہیں آپ کے پاس, آپ کا ساری کمیاں ہیں خامیاں ہیں, وہ شفا کا مان نہیں رہے ہو تو تمہارا تو حال بڑی برا حال ہے. شفا تو جب تک نہ مانو اور تب تک جو ہے اعمال کے اپنے دامن میں مال ہی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اعمال ہی خالی ہے تو نامہ اعمال گھرچے خالی ہے, کم از کم ہمارے دل کے اندر جو ہے یاد ہونا چاہیے اللہ کی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ میرے حبیب میں کیسے ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہو. تو جب دل میں آپ کی یاد ہو وہ دو دفعہ نہیں جا سکتا, یہ راز ہے. تو دل میں اگر اس کے حبیب نہ ہو تو پھر تو دو دفعہ دو دفعہ ہے, اور اگر دل میں اس کے حبیب ہے, آپ کا نام ہے, اللہ اپورٹ نہیں کرتا کہ اپنے محبوب کے کسی طالب کو, عشق کی روایت کے خلاف ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں سکتا. یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ بڑے بڑے بندے پہ لوگ کہ ایک آدمی ایسا واقعہ ہے کہ سرکار کے پاس آیا, یہودی تھا غیر مسلم تھا, کہہ رہے میں کلمہ اسلام لاؤں گا, آپ میرے ساتھ جو ہے نا کشتی میں مجھے گراؤ. تو مدعا یہ ہے کہ اچھا بھی واقعہ ہوا, ریکارڈ میں ہے, تو جب ہاتھ لگایا تو ایسے بھی ریکارڈ میں آتے, انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ میرا پکڑ ہی لیا آپ نے, تو بس آپ میں یاد رکھنا کہ میں گناہگار ہوں, تو میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی اعمال بھی نہیں ہے, میں اس کا خیال رہے. ایسے ایسے لوگ بھی آئے, اس انداز سے بھی لوگ آئے. تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے اور ڈر نکل جانا چاہیے جب آپ کا صفات پر اعتماد ہو. اس لیے ایک آپ کے پاس ریڈیمنگ فیکٹر ہے کہ آپ اس امت سے ہو اور اعمال کی کوئی بات نہیں ہے, آپ بس رہے نا. اس لیے اگر یہ بھی نہ مانو تو اعمال جو لوگ پریچ کرتے ہیں نا, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, حیات النبی ہے کہ نہیں ہے, تو پھر اعمال گن کے جو ہے نا پھر یہ بڑی مشکل بات ہے, بخشش کی بڑی مشکل بات ہے کہ اعمال گنے جائیں, اعمال تولے جائیں, پھر انکار بھی تولا جائے گا اور جو درگزر کیا, جو آپ سے سہو ہو گیا, جو غلطیاں ہو گئی, اچانک واقعات ہو گئے, تول کے جو ہے نا پھر آپ کا بخشش کا امکان نہیں ہے, یہ تو کوئی اور حساب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس امت سے پیدا فرمایا تو ادھر سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے, وہ خود ہی مہربان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر رہا ہے یہی مہربانی ہے. لقد منا, کتنے رہ پڑے نا آپ اللہ تعالی احسان جتا رہا ہے زندگی کا نہیں, آپ کو بینائیاں عطا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالی نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں, جتایا نہیں ہے, ہمیشہ عطا کرتا ہے, یہ جتایا کہ میں احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ ان میں میں نے مبعوث کیا ایسا رسول جو ان کو آیتیں سناتے ہیں اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی بات بتاتے ہیں اور ان کو تکرم, میرا تکرم عطا فرماتے ہیں, یہ میرا احسان ہے تم پر. ہم کہتے ہیں جی قبول ہے آپ کا احسان, مہربانی ہے, بھائی یہ احسان ہے, میرا بات سمجھے, اور یہ احسان ہے, اس احسان کو راستہ بتایا, اصل میں یہ راستہ ہے آپ کی بخشش کا, ورنہ اعمال کی بخشش نہیں ہو رہی ہے, اس طلب کی بخشش ہے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, نہ رحمتی واسعہ علی غضبی, میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, تو غضب کا خالق کا تو نہیں ہوتا مخلوق پر, میں پہلے بتایا,
तो गजब से मुराद क्या है? अगर मैं इंसाफ करने पे आ जाऊं तो गजब हो जाए, लेकिन मैं इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूं। रहमत मेरी वसी है, गजब से ज्यादा है, और रहमत मेरी तुम्हारे हाँ मुजस्सम होके आ रही है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने रहमत तमाम जानों के लिए रहमत को भेजा। अगर सारी कायनात के लिए माइनस है शैतान, जिसका अल्लाह ने पहले फैसला कर दिया, सारी कायनात के लिए काफरों मोमिनों के लिए अगर कोई वाहिद हस्ती है जो सबके लिए बख्शिश की दुआ कर सकती है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी, और कोई नहीं कर सकता। काफरों के लिए भी मुशर है, बेखबर है, क्यों तबाही की दुआ मांगू, तो आप बदले में दुआ कर सकते हो। आप बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप ये बात देखो कि हजूर पाक की उम्मत से होने वाला किसी मुसलमान को दोज़ख की नवीद सुना दे तो ये शख्स जो है वो अपना उम्मत से फारग होने का कोई इम्कान है? जिसका माल है वो फैसला करेगा, जिसकी उम्मत है वो फैसला करेंगे, और जिन्होंने उसको इस उम्मत से पैदा फरमाया ये वो फैसला करेंगे। अल्लाह जाने, अल्लाह के मित्र जाने और उम्मत जाने, तुम कौन हो दरमियान बोलने वाले? मौत के बाद मंजर नहीं है, मौत के बाद सिर्फ मौत ही है, और अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। इसलिए हम यहीं से बदले पे अल्लाह के, हम उनके हैं, हमारा कुछ ना क्या है ना। ऐसी बात क्या कहते हैं इकबाल गालिब के शेर, वो क्या है गालिब? हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या। तो ये है बात आपके लिए, दिले हर कतरा है साजे अनल बैर, दिले हर कतरा है साजे अनल बैर, हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या। वो तो हर कतरा साजे अनल बैर है, हम तो हैं ही नहीं के। इसलिए ये आपके लिए, कभी इस बात पे गाफिल ना होना कि आपका सहारा और बड़ा ही मेहरबान और हमदर्द सहारा और बड़ा ही शफीक सहारा और बड़ा ही कवि सहारा आपके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और आपकी उल्फत है। आपने नामे आमाल पर इतना भरोसा न करना और इस बात पे बड़ा भरोसा करना, अल्लाह की रहमत जो आपके गज़ब से वसी है। और इसलिए वो शख्स जो आपको किसी आमाल की दावत देता है हजूर पाक के इसके मुकाबले में, तो फिर जरा आप गायद करो, समथिंग रॉन्ग समवेयर। और अगर इश्क भी हो और आमाल भी हो तो फिर आपका हाल बहुत अच्छा है, मुबारक के काबिल। कहा जैसे कहता है कि ईमान सलामत हर कोई मंगदा, इश्क सलामत कोई हूँ। उन्होंने कहा ईमान तो तुम मांगा ही मांगा, असल में इश्क सलामत। और एक दफ़ा हजूर पाक के पर बात हुई थी आपके साथ साहबा कराम की, आपने पूछा मेरी बात तुम्हें समझ आ गई है, साहबा कराम ने कहा जी आपका पैगाम सुन लिया। आपने फरमाया कि ये बताओ फिर ईमान किसे कहते हैं? फिर उन्होंने सारा क्राम में दोहराया कि अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्ते पर ईमान लाना और अव्वल किताबों पर, आप पर नाज़िल होने वाली किताब पर, जैसे है माँ बाप पर, मरने के बाद पर। ये आपने कहा ठीक, ईमान जी आ जी इस ज़िंदगी में उस जिंदगी का ख्याल रखना। सब ईमान की तारीफ होती जा रही थी, एक आवाज़ आई जी हम तो ये समझे हैं कि ईमान भी आप पर निसार है। बात फरमाया ये है बात असल में कि माँ बाप जहाँ निसार हैं वहाँ ईमान भी आप ही के पर निसार है। आप कहें तो हम मानने को तैयार हैं, बस ये जो है ना आपकी वाबस्तगी इसी बात पर होनी चाहिए। जैसे कहते बुत काफर है इश्क मैं बंदा इस्लाम नहीं, बुत परस्ती के सिवा और मुझे काम नहीं, ये एक बहुत बड़े दरवेश का अपना शेर है। यह दरवेश का नाम आप बता दूँ ख्वाजा मौलाना शाह नियाज़ अहमद बरेलवी, बड़े जगीन बदले में फ़कीर उलमा आस्ताने के मालक, जिनका बेशुमार आपको शेर सुनते जाते हो, उनके कलाम से अक्सर सुनते रहते हो। मकसद यह है कि बुज़ुर्गों ने क्या काफ़र इश्क मैं बंदा इस्लाम नहीं, इस्लाम से मुराद है रिवायत का मैं आदमी नहीं हूँ, तो मोहब्बत। इसलिए अगर मोहब्बत भी हो और शरीयत भी हो तो फिर ये आपका काम जो है ना ये बन गया और मुकम्मल हो। खाली मोहब्बत माइनस शरीयत ये भी कुछ अच्छी बात नहीं है। आप बात करें क्योंकि ये बिल्कुल ही अच्छी बात, मैं इसलिए नहीं कहता भारत कुछ अच्छी बात नहीं है, और खाली शरीयत माइनस मोहब्बत ये भी कुछ वजन की बात है, शायद वजन में पूरी न उतरे बात। क्योंकि अल्लाह ताला बेनियाज है और शैतान इस गुमराही से पहले या इनकार से पहले तो पूरा इबलीस था ना, बहुत सारे मौलम भी उसे कहते थे कपल, क्या क्या नाम थे उसके, बारह मतलब अल्लाह करीम जो है उसके जलाल से न बच सका।
और वो इनकार कर गया। तो जब तक आपके अंदर इनकार और कई बातों से हम गुजर जाते हैं, कई हुक्म नहीं पूरे कर सकते, तो फिर इसलिए बख्शिश का ख्याल रहे ज़रूर कि या रब्बुल आलमीन एहसान फरमाओ कि संगे दरे हबीब है और सर गरीब का क्या शेर है, संगे दरे हबीब है और सर गरीब का, किस औज पर है आज सितारा नसीब का। संगे दरे हबीब है और सर गरीब का, किस औज पर है आज सितारा नसीब का। अब एहतसाब मेरे गुनाहों को छोड़िए, अब एहतसाब मेरे गुनाहों को छोड़िए, अब वास्ता दिया है तुम्हारे हबीब का। बस इस बात पे आज के बाबल का इंतजाम करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला अपने हबीब पाक की मोहब्बत अता फरमाए और अपनी राह दिखाए और अपनी राह की रहनुमाई हजूर पाक ही करे। और ये दुआ होनी चाहिए या रब्बुल आलमीन हमारे हमें हमारे आमाल के मुताबिक जज न करना, अपनी रहमतों के मुताबिक जज क्या करना है, रहमत ही दिखाओ कि जज क्या करना है। और अल्लाह ताला रहम फरमाए सब हाजरीन के लिए, जारी बादनी मुश्किलात के लिए दुआ कि अल्लाह ताला जिन लोगों को कोई बुजुर्ग नसीब है उनको रास्ते का मुसाफर बनाओ, सफ़र के मकाम से आगाह फरमाओ। आज जिनको कोई मुर्शद नहीं मिल रहा अल्लाह ताला उनको मुर्शद कामिल अता फरमाए ताकि वो इस रास्ते पर चल सके। या रब्बुल आलमीन सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात आसान फरमा, या रब्बुल आलमीन इस्लाम की आसान आसान बातें हमें समझा दे ताकि हम सीधे सीधे आपके पास आ जाए खुश होके, ताकि हमें उलझनों से बचा, दुनिया भी आसान फरमा दे और दीन भी आसान फरमा दे, ताकि आसान हम दीन समझे और दुनिया भी हमें आसान ही कर दे। कमाइयों पर तो कोई गुजारा नहीं होता, तो अपने फजल की बात कर और ताकि हमारे गुजारे हो जाए और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, हम एक दूसरे के लिए बेज़र्र हो जाए, मनफ़ेद बख्श हो जाए। तेरे नाम का काफिला या रब्बुल आलमीन किनारे पर लगाओ, तारे खल की नूर रशीद अफसल लंबिया मुरसलीन हबीब ना वसी ना वसलन ना शुक्रिया ना वा मौला ना मोहम्मद वाली मेन भी रहमत को या